खरगोन जिले के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में बिना अनुमति चल रहे चार ऐसे कारखानों का खुलासा हुआ है जहां भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल सहित अन्य ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए हैं। प्रशासन ने नकली ज्वलनशील पदार्थ की आशंका में डीजल पेट्रोल से भरे टैंकरों सहित कारखानों में स्टोर किए गए यूरिया पीडीएस गेहूं को जब्त किया है। मिली जानकारी अनुसार शुक्रवार सुबह खरगोन एसडीएम ओम नारायण सिंह, कसरावत एसडीएम अग्रिम कुमार प्रशासनिक अमले के साथ नेशनल हाईवे स्थित निमरानी क्षेत्र पहुंचे। यहां चार अलग अलग कारखानों में दबिश देकर सर्चिंग शुरू की। सर्चिंग के दौरान अधिकारी उस वक्त चौंक गए जब कारखानों में बड़ी मात्रा में पीडीएस के गेहूं यूरिया के अलावा पेट्रोल डीजल परिवहन करने वाले टैंकर खड़े मिले। भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल केरोसिन मिलने की सूचना पर शाम को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर के मुताबिक जब्त शुदा सामग्री करीब 5 करोड़ की है। यह केमिकल बायो है या ज्वलनशील, ये जांच का विषय है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। निमरानी क्षेत्र में कई लोकेशंस पे अभी जांच की कार्रवाई चल रही है। फूड डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, प्रशासन के लोग भी, पुलिस के अधिकारी भी हैं। इन लोकेशंस पे प्रिमा फेशिया पाया गया है कि बड़ी मात्रा में भंडारण किया गया है। भंडारण किया गया जो पदार्थ है वो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है या कोई मिलावटी पदार्थ हो सकता है। कुल मिला के इसकी कोई अनुमतियाँ नहीं हैं और बहुत ही असुरक्षित तरीके से, खतरनाक तरीके से इसको स्टोर किया गया है। तो ये क्योंकि रिहायशी इलाके में है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना इसमें हो सकती है। जैसे ज्वाइंट जाँच की कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है कि ये एक स्मगलिंग भी निकलेगी इसमें। स्मगलिंग, अवैध भंडारण और बहुत सारे नियम प्रक्रियाओं का उल्लंघन होगा, तो इसमें काफ़ी विस्तृत जांच ज्वाइंट टीम करेगी। इसके बाद जो भी इसके संचालक होंगे, जो भी इसमें रैकेट में इन्वॉल्व होंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, नकली भी हाँ, इसमें अभी कई सारे जो लॉज हैं उनका उल्लंघन दिख रहा है। जो टैंकर्स खड़े हुए हैं उनका अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनका सोर्स क्या है, उसका फर्दर डेस्टिनेशन क्या है, किसके आधार पर इन्होंने इतना अनसेफ स्टोरेज कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें मिला के इसमें काफ़ी बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी फैक्ट फाइंडिंग चल रही है, इसकी ओनरशिप किसकी है। ऐसी चार लोकेशंस हैं तो जॉइंट टीमें इसमें फैक्ट फाइंडिंग कर रही हैं, तो जल्दी इसमें सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करके इसमें जो भी रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया। सर, ये नकली भी बन सकता है? सर, नकली भी, जैसे खाद्यान्न सामान मिला, यूरिया मिला और भी केमिकल भी दिख रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है। अभी जो जानकारी मिल रही है इसको गुजरात से कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो किस तरह की मिलावटखोरी इसमें हुई है और किस प्रकार का इसमें क्राइम इन्वॉल्व है, ये सारे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो जल्दी इसमें सभी चीज़ों को वेरीफाई करके कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। की गई है सर, आप भी खुद मौके पर पहुँचे, किस प्रकार कार्रवाई, कितने लीटर जब्त किया गया नकली? देखिए, ये सूचना मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि अवैध रूप से डीजल पेट्रोल का संग्रहण किया जा रहा है और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से विभिन्न प्रतिष्ठानों पे बेचा जा रहा है। इसके दो नुकसान हो रहे थे, एक तो अवैध व्यापार हो रहा था, दूसरे शासन के एक्साइज की चोरी हो रही थी। और हाल में जो घटना हुई है अंजन गांव में, वो उसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह का किसी तरह का संग्रहण जो बिना नियम के और बिना तरीके से हो, अवैध है और लोगों के जान माल को खतरे में डालने वाला है। इसके आधार पर आज यहाँ कार्रवाई की गई। मौके पे देख के ही लग रहा है लगभग 3 लाख लीटर डीजल है या बायो डीजल है या कैरोसिन भी हो सकता है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, या मिक्स कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं। लेकिन सबसे इसमें बड़ी जो चिंता है और सबसे बड़ी अनियमितता है वो ये है कि ये पूरा संग्रहण बिना किसी नियम के, बिना किसी अनुमति के किया गया है, जो पूरी तरह अवैध है। साथ ही साथ इन चार स्थानों पर हमें यूरिया के भी कुछ बैग्स मिले हैं, पीडीएस का गेहूँ मिला है, तो ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील और घोर अनियमितता है। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी एक्ट भी लगेगा, एक्सप्लोसिव के भी कार्रवाई होगी, अन्य प्रावधानों में भी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पे इस तरह की गलत ऐसी कार्रवाई होगी कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। रहवासी इलाके में भी सर कुछ जगह दिखाई दी सर? इसी दिक्कत को देखते हुए हम लोगों ने यह कार्रवाई करी है। रहवासी इलाके में इस तरह के स्टोरेज अपने आप में लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसी परिपेक्ष में भी मिली है सर नकली, किसी प्रकार से बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। ये स्पष्ट है कि ये पूरा कारोबार अवैध और अनियमित है। अब आगे कौन कौन से नियमों का उल्लंघन हुआ है ये एक दो दिनों में
जांच के बाद स्पष्ट। कितने की होगी सर सामग्री और डीजल? मुझे लगता है कि सारी सामग्री जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए की होगी, करीब 5 करोड़ रुपए। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।